स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी लेने के लिए जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने बुधवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल के ओपीडी वार्ड सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अपने कार्यों को सुचारू ढंग से नहीं करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने कहा, देखिए अभी इस समय में ओपीडी भी चालू हो गया, इमरजेंसी भी चल रहा है, खासतौर पे भीड़ भाड़ भी ज़्यादा है और उसके देखने के लिए गया हूँ। वैसे लॉकडाउन के पहले हम लोग कुछ परियोजना वहाँ प्रारंभ किए थे, उसका समाप्त भी हो गया है, वो हैंडओवर नहीं हुआ है, उसको देखने के लिए भी गया हूँ। वैसे तो दो ऑपरेशन थिएटर बन गया है और करीब 50 वार्ड का महिला पोस्ट डिलीवरी विंग है, वो भी तैयार है, उसका
दो दिन के अंदर क्रियाशील कराने के लिए निर्देश दिए थे। और उसके अलावा वहाँ का ओपीडी का भीड़ भाड़ ज़्यादा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा था, उसके भी हमने चेतावनी दे के आया हूँ। और हाजिरी भी चेक करने के लिए गया हूँ, बहुत सारे लोग अनुपस्थित मिले हैं, उनको ऊपर भी कार्रवाई के लिए शासन को लेकर आऊँ। यार मेरा लेवल से कार्रवाई होना तो मेरा लेवल से कार्रवाई भी करेंगे। और ये स्वास्थ्य महकमा इस साल के लिए हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण महकमा है, ताकि जो कोविड से हमें लड़ना भी है और बाकी मरीज़ का उपचार है वो भी सुचारू रूप से जारी रखना है, उसी दिशा पे हम लगातार इंस्पेक्शन करेंगे और लगातार ये जो स्वास्थ्य महकमा है उसी के मजबूत कराने के लिए प्रयास करेंगे।